नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, डेली के भांति में आज भी एक वीडियो लेकर आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं। मकसद वही है, आप लोगों को कुछ नया दिखाना, आप लोगों को कुछ नया सिखाना। इस कड़ी में दोस्तों आज मैं आपको 35 फीट बाई 35 फीट मतलब 1225 स्क्वायर फीट में बने हुए घर का साइड एलिवेशन का डिज़ाइन और एक ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा अगर आप घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए पहले चलते हैं इस घर का साइड एलिवेशन की तरफ। तो साइड एलिवेशन में आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे किया हुआ नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो भी किया गया है दोस्तों अच्छे ढंग से किया गया है। साइड एलिवेशन में आपको दो विंडो मिल जाते हैं, ये देख लीजिए बॉक्स डिज़ाइन में विंडो आपको मिल रहा है। दोनों विंडो ऊपर में हल्का इसे बाहर की तरफ निकाला गया है जिससे आपको एक स्टेप डिज़ाइन मिलता है, जिससे आपका खिड़की का जो सुंदरता है वो अच्छा हो जाता है। और साथ साथ अगर आप इस टाइप का विंडो बनाते हैं तो आपको इसका कोर का भी ध्यान रखना पड़ता है, कोर को अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। इसी डिज़ाइन को मैं आगे भी दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को क्लियर करूँगा। चलिए जान लेते हैं और इसके अलावा क्या किया गया है। तो इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 3 फीट बाहर छज्जा निकाला है जो कि कंटिन्यू निकाला गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जहाँ पर ये फ्रंट का आपका व्यू आता है वहाँ से लेकर के साइड व्यू का जो है लगभग 10 फीट के आसपास साइड की तरफ और 5-6 फीट आपका फ्रंट की तरफ, जहाँ तक आपका हाउस एंट्रेंस पॉइंट नहीं है वहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि स्लोप डिज़ाइन वाला छज्जा निकाला गया है। ये कॉर्नर वाला जो छज्जा होता है दोस्तों उसको निकालने से आपका जो घर का लुक है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। लगभग 1.5 फीट बाहर इस छज्जा को निकाला गया है। और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको जो पहले ज़माने में छप्पर हुआ करता था उसका मॉडिफाई वाला वर्जन अभी लगाया गया है, आप आसानी के साथ देख सकते हैं। खासकर इसे जब आप रेड कलर से कलर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलता है। बात किया जाए उसके नीचे वाला पार्ट का तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर सिंपल छज्जा निकालने के बाद उस वहाँ पर भी आपको स्लोप डिज़ाइन का उपयोग किया गया है। मैं हल्का आपको नज़दीक ले जाकर चलता हूँ ताकि आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आप देख पा रहे होंगे। लगभग 4 इंची मोटा आपको छज्जा निकालना होता है, फिर उसके ऊपर आप स्लोप डिज़ाइन बनाकर फिर वही छप्पर का डिज़ाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस सीढ़ी रूम का जो हेडर होता है वो है, वो भी लगभग 203 फीट के बाहर निकाला गया है। उसके नीचे में दो आपको यहाँ पे कैंटिलीवर स्लैब भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो दोस्तों बात था इस घर का साइड एलिवेशन का। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर का ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन की तरफ, जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आपको इस घर का सबसे खूबसूरत पार्ट यानी कि हाउस एंट्रेंस पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऊपर की चीज़ें सारे बता देना चाहता हूं। जो चीज़ें दूर से दिखने वाला है उसे मैं यहीं से आपके लिए क्लियर कर देता हूं, फिर आपको नज़दीक लेके चलूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो आप यहाँ पर छज्जा देख रहे थे दोस्तों 3 फीट के बाहर निकाला हुआ था, उससे दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है फ्रंट की तरफ भी। और ये जो आप देखे थे स्लोपी डिज़ाइन, स्लोपी वाला छज्जा, उससे भी दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू किया गया, आप देख सकते हैं। और नीचे में आप देखेंगे कि बीम भी यहाँ पे ज़रूर लगवाया गया है और आपको ज़रूर यहाँ पे लगाना भी चाहिए, आप देख सकते हैं। बीम रहने से दोस्तों आप देखते होंगे बीम नहीं रहता है तो कई छज्जा में आपको यहाँ पे क्रिक नज़र आता है कुछ सालों के बाद, लेकिन बीम रहेगा तो अच्छा से दोस्तों लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर आपको जल्दी क्रिक इसमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए चलते हैं दोस्तों और नज़दीक और आपको मैं इस घर का सबसे खूबसूरत पार्ट मतलब हाउस एंट्रेंस पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर ये हाउस एंट्रेंस पॉइंट नहीं होता तो इस घर का लुक क्या होता आप इमेजिन कर सकते हैं, ये देखिए। लेकिन सिर्फ दोस्तों हाउस एंट्रेंस पॉइंट लगा देने से इसका लुक में कई गुना का इजाफा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, अगर आपके पास आइडिया रहेगा तो अपना घर बनाएंगे तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बात किया जाए हाउस एंट्रेंस पॉइंट का, तो इसका जो साइज़ रखा गया है वो 7 फीट बाई 6 फीट का यहाँ पे रखा गया है, 6 फीट बाई 4 फीट। और इसको बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसी टाइम आपको बीम निकाल देना होता है। जब आप प्लिंथ बीम कर रहे होते हैं या कुर्सी का लेवल का जो बीम बोलते हैं, उसी टाइम दोस्तों आपको दो बीम इस तरह से निकाल देना है, जो भी आपको साइज़ रखना है, एक यहाँ से
और एक वहाँ से। फिर उसको दोस्तों आपस में जोड़ देना रहता है बीम के द्वारा। उसके बाद फिर आपको दो राउंड शेप का कॉलम निकाला गया है, सर्कुलर कॉलम यहाँ पे निकाला गया है। चलिए मैं आपको नज़दीक जा कर के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीका से इसे निकाला गया है कॉलम को, आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग स्क्वायर कॉलम भी यहाँ पर उपयोग करते, लेकिन जो राउंड शेप का कॉलम है वो आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा लुक आपको प्रदान करता है। तो चलिए पहले मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, फिर आपको फ्रंट से बताऊँगा कि कैसे इसे बनाया जाता है आगे का प्रोसेस। कॉलम निकाल लेना है दोस्तों, आपको पाँच या कम से कम छः सरिया आपको लगाना होगा यहाँ पे अंदर में। 10 mm का सरिया से भी आपका आसानी के साथ ये बन जाता है। अगर आपके पास पाइप है PVC पाइप, तो 8 इंची वाला पाइप से आप आसानी के साथ इसे राउंड शेप में डाल सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों ढालने के बाद आपको करना है कि जब आप छोड़ देना है, उसके बाद फिर जब आप लिंटल लेवल पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर आपको दो बीम निकाल लेना, जैसे आप नीचे से निकाले थे। लिंटल लेवल का जो आप काम करेंगे तो वहीं से दो बीम निकालेंगे, पहला बीम इसी के बिल्कुल सीधे में और वहाँ से दूसरा बीम। उसके बाद दोनों को दोस्तों आपको कनेक्ट कर देना है इस कॉलम को, और फिर उसके बाद फिर इस पार्ट को भी आपको साथ साथ में ढलाई करवा लेना है बीम के साथ में। आप देख लीजिए यहाँ पे आपको राउंड बीट लगवाना है, जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको राउंड बीट लगवाना है, फिर उस ऊपर में आपको स्क्वायर बीट लगवाना है। ये देख लीजिए, आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है उसको मैं दिखाते हुए आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ से दोस्तों आपका आ जाता है ये बीम, और उसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी बनवाना होता है, सेम प्रोसेस है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे साइड से। देखिए सेम दोस्तों बनाया गया है, तो देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से आपको बीम जो निकलेगा यहाँ से वो दोस्तों आपको यहाँ पे आकर कॉलम से मिल जाएगा। फिर आपको स्क्वायर शेप और राउंड शेप वाला बीट बनवाना है, और यहाँ पे भी आपका जो छज्जा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, जो उधर से छज्जा आया था स्लोपी वाला वो चलता रहेगा। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों ढलाई करवा लेना है। कैसे ढलाई करवाना है मैं आइए आपको सामने से दिखाता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए तो देख लीजिए ये सामने से कि किस तरीके से ढलाई करना है बीम के ऊपर। दोस्तों आपको ऊपर ऊपर आपको दिखना चाहिए स्लोप डिज़ाइन, देख लीजिए स्लोप है, लेकिन अंदर वाला पार्ट में देखिए तो आपको आर्क टाइप का शेप नज़र आ रहा है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो चलिए समझ लेते हैं बीट का कहानी कि किस तरीका से यहाँ पे बीट बनाया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों ऊपर आपका जो स्लोप शेप का ढलाई है उससे कुछ इस तरीके से कराना है, और जो नीचे वाला आपका जो आर्क शेप का ढलाई होगा उसे दोस्तों हल्का 5 से 6 इंची अंदर ढलवाना है। आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ। देख लीजिए 5 से 6 इंच आपको जगह यहाँ से छोड़ने के बाद अंदर डलवाना है, ताकि आपको एक यहाँ पे बीट भी मिल जाए और इसका जो शेप है स्लोप शेप वो आपका आर्क शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीका का दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है, और ऊपर में जब आप छप्पर लगाएंगे तो उसको भी दोस्तों देख लेंगे आप कि हल्का निकला हुआ, मतलब 2 से 3 इंची निकला हुआ आपको लगाना है, ताकि जो पानी है वो आपका दूर से गिरे आपका दीवार से हो। अगर जब बराबर में लगाते हैं तो जो पानी है वो दीवार से होते हुए आपका नीचे आता है, ऐसे में आपका पेंट भी है वो ख़राब होता है। इसलिए हल्का बाहर लगाएंगे तो लुक भी अच्छा आएगा और जो पानी है वो भी दूर गिरता है, सारा क्लियर रूप में देख सकते हैं, जो छप्पर का डिज़ाइन उसमें देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको लेना है, एक बीट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा जब आप बीम की ढलाई कराएंगे, उसके फिर बाहर में आप करवाएंगे ऊपर वाला ढलाई, तो हल्का दोस्तों 3 से 4 इंची से बाहर करते हुए ढलाएंगे, साइड वाला भी और बाहर वाला भी आप देख लीजिए। तो इस तरीका का दोस्तों बनाया गया है, और एक बात और आप देख लीजिए कि ये जो आप देखे थे छज्जा का डिज़ाइन वो दोस्तों कंटिन्यू है, भले यहाँ तक आप गौर किए होंगे लेकिन उधर भी ये कंटिन्यू है, आप देख सकते हैं। जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। तो इस तरीका से बनाया गया है। तो ये तो कहानी था दोस्तों साइड एलिवेशन की और एंट्री पॉइंट की। अब चलिए दोस्तों मैं ले जाके चलता हूँ इस घर का जो विंडो बनाया गया है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। सेम डिज़ाइन का विंडो आपने वहाँ भी देखा था और यहाँ पे भी देखा था। कुछ लोग अभी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, चले जाइए दोस्तों, लेकिन मेरा काम है आप लोग को एक अच्छा जानकारी देना और पूरा जानकारी देना, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं इस बॉक्स वाले डिज़ाइन को। तो लगभग 4 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे विंडो छोड़ा गया है,
लगभग चारों विंडो, दो विंडो यहाँ पे और दो विंडो जो उधर था, चारों विंडो का साइज वही है। इसमें आपको करना ये होता है कि जब बनाते हैं विंडो उसी टाइम आपको बाहर ब्रिक वर्क करवा लेना है। कुछ लोग ढलाई वाला भी बनाते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है। आपको ईंट की जुड़ाई करवा लेना है साइड में, साइड में नीचे में आपको ढलाई करवा लेना है। अगर चाहे तो ईंट से भी आप बनवा सकते हैं। 3 से 4 इंची से आपको बाहर निकालते हुए ये देखिए इस टाइप का 3 से 4 इंच बाहर आपको निकलवा लेना है और जुड़ाई करवा लेना है। एक बॉक्स आपका मिल जाएगा इस टाइप का, फिर उसके ऊपर वाला हिस्सा में भी आपको एक और ईंट जोड़वा लेना है दोस्तों। उसको लगभग 5 से 6 इंच यहाँ से निकालना है, मतलब 1 से 2 इंच आपको यहाँ से बाहर निकालना है, तो आपको एक अलग टाइप का डिज़ाइन मिल जाता है। आप बॉक्स डिज़ाइन तो बहुत देखे होंगे लेकिन इस डिज़ाइन को देखिए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसका जो कोर है उसका भी दोस्तों आपको ध्यान देना होता है। ये देखिए ये जो कोर है वो दोस्तों आपको एक अच्छा फिनिश के साथ फिनिशिंग इसका करना पड़ता है ताकि आपको एक अच्छा लुक मिले। देख लीजिए सारा कोर देख लीजिए, बिल्कुल दोस्तों आपको स्ट्रेट नज़र आएगा। तो इस टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन है। कैंटिलीवर बीम देख लीजिए आप, कैंटिलीवर स्लैब है, फिर यहाँ से दोस्तों स्लोप डिज़ाइन का छज्जा है। लाइटिंग के लिए भी आप देख सकते हैं वहाँ पे दोस्तों खासा इंतज़ाम किया गया है जिससे आपको रात में भी एक अच्छा लुक मिलेगा। आप चाहें तो जो एंट्री पॉइंट का डिज़ाइन है इसमें भी आप आसानी के साथ लाइट है वो लगा सकते हैं। तो इस टाइप का डिज़ाइन आप देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए इस घर का पूरा लुक एक बार दूर से मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस चैनल पर मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियो ला ही रहा हूँ और लाता ही रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इंजीनियर प्रोडक्ट की इजाज़त। नमस्कार।